नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जैन आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग में स्पीड मैथ की एक शानदार टेक्निक जो अपने रीजनिंग में भी काम आएगी और मैथ को भी स्पीड बनाने के लिए काम में आएगी। आज इस टेक्निक के अंदर अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स, मतलब कैसे दो संख्याओं का गुणा फटाफट कर लिया जाए, चुटकियों में कर लिया जाए, टू डिजिट नंबर इंटू टू डिजिट नंबर। मैं कुछ हिंट बता रहा हूँ आपको, इवन दो दो संख्या लिखी हुई है बोर्ड के आपके सामने, उनको अपन अगर लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं तो टू स्टेप में काम होगा, अपने को बिल्कुल शॉर्ट में निपटाना है। तो उसकी शॉर्ट टैक्टिक मैं आपको भी बता रहा हूँ कैसे इसको शॉर्ट अपने को फॉलो करना है। क्या करना है, 48 इंटू 73 लिखा हुआ है, सबसे पहले अपने को 8 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया कितना है 24 का कितना रखा 4, रिमाइंडर कितना बचा 2। नेक्स्ट क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 4 में और 8 का 7 में, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 और 8 इंटू 7 कितना हुआ 56, इन सबको ऐड कर लिया अपन ने 56, 12 और 2 ये कितना हुआ 70 का मैंने कितना रखा यहाँ पे 0, शेष कितना बचा 7। अब क्या करना है, 7 इंटू 4 कितना हुआ 28 और 28 प्लस 7 कितना हुआ 35। तो कितनी स्टेप में काम हुआ, 3 स्टेप में। 3 स्टेप कौन कौन सी, सबसे पहले क्या करना, स्टेप वन यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना, यूनिट प्लेस मतलब इकाई संख्या का आपस में क्या करना, गुणा करना है, उसका जो भी रिमाइंडर होगा वो आगे होगा। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और उसको क्या करना, जोड़ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 4 × 3 और 7 × 8, मतलब सबसे पहली स्टेप क्या हो रही है, ये कंडीशन वर्टिकल मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, आमने सामने की संख्या होगा मल्टीप्लाई और उसमें अगर पीछे से कोई रिमाइंडर आया तो उसको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4 × 3 और 8 × 7। उसके बाद क्या करना है, जो शेष बचा उसका वर्टिकल मल्टीप्लाई मतलब 7 × 4 28 और आगे से कोई रिमाइंडर आया उसको इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना। ये प्रोसेस अपने को फॉलो करना है। जैसे मैं इसमें बता रहा हूं 9 × 3 कितना हुआ 27, 27 का 7, शेष कितना बचा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 4 36 और 7 × 3 21, इनको ऐड कर लिया अपन ने 6 7 2 9 और 3 2 5 59 का कितना रखा 9, शेष कितना बचा रिमाइंडर 5। फिर क्या करना, आमने सामने मल्टीप्लाई 7 × 4 28 प्लस 5 33, आंसर कितना होगा 3397। अपना टारगेट अल्टीमेटली नहीं है टाइम को बचाना, कैसे अपन टाइम सेव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई 7 × 1 7, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 7 63 और 5 × 1 5, 63 और 5 कितना हो 68, 8 रिमाइंडर कितना बचा 6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट क्या किया था अपन ने, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, शेष का मल्टीप्लाई जो बचा 10 प्लेस का, तो 9 × 5 45 प्लस 6 51, तो कितना हो गया 5187। ये तीन मल्टीप्लाई मैंने आपको करके बताए। नेक्स्ट मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं दो क्वेश्चन। जैसे मैंने देखा 93 × 56, फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा 93 × 56। ये मैंने लिखा 42 × 86, इसको सोल्व किया 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 54 और 5 × 3 15, 9 10 0 1 5 6 और 7 70 0, शेष कितना बचा 7, 9 × 5 45 और 7 कितना हुआ 52, आंसर कितना होगा 5208। नेक्स्ट सेम प्रोसेस 6 × 2 12, 2 1, 6 × 4 24, 8 × 2 16, कितना हुआ 41, 1 रिमाइंडर कितना बचा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई लास्ट में जो बचा 8 × 4 क्रॉस तो हो गया, अब क्या बचा 8 × 4 32 प्लस 4 36, आंसर क्या होगा 3612। तो क्या एक बार मैं वापस यही बता रहा हूं, सबसे पहले यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करना है जो शेष बचा 10 प्लस पे उनका आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई करना है 9 × 5, जैसे 6 × 3 फिर 6 × 9 5 × 3 और लास्ट में 9 × 5, ये कंप्लीट हुआ 2 × 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।